हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बाइक जोन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एवरेज, जो बाइक का एवरेज है। सभी लगभग लगभग बहुत सारे भाइयों के मन में ये चलता रहता है कि हमारी बाइक एवरेज क्यों नहीं देती, चाहे BS4 हो चाहे BS6 हो। बहुत से मैकेनिक को दिखा लेते हैं, अलग अलग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी डला लेते हैं। जैसे एक नॉर्मल वाली पेट्रोल आती है, दो तरह की पेट्रोल आती है, एक सुपर पेट्रोल आती है, दोनों डला लेते हैं और अलग अलग टैंकी पे जाके पेट्रोल टैंकी पे पेट्रोल भी डलाते हैं और बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को भी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा माइलेज बाइक नहीं दे पाती। तो इसमें समस्या क्या हो सकती है बाइक में, तो आज यही हम बताने वाले हैं और कैसे चेक करेंगे कि कहां से हमारा जो एवरेज की समस्या है क्यों नहीं देती। बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को दिखाने के बाद और अलग अलग टैंकी पे पेट्रोल डलाने के बावजूद भी जो है बाइक एवरेज क्यों नहीं दे पाती, चाहे BS6 हो या BS4 हो। तो चलिए, यही आज हम बताने वाले हैं, इसको हम चेक कैसे करें कि एवरेज की जो समस्या है कहाँ से फॉल्ट हो सकती है और इसे हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करें और इसका सलूशन हम कैसे ढूंढें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि हमें चेक कहां से करना है और कैसे चेक करना है। एवरेज की समस्या जो है वो दूर करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, सबसे पहले हम पलक खोल के चेक करेंगे एवरेज बाइक कितना दे रही है, चाहे BS4 हो या BS6 हो या उससे ओल्ड भी मॉडल बाइक हो। ये जो एवरेज की समस्या है दूर नहीं होती, वो सेम BS6 हो या BS4 हो या उससे भी ओल्ड मॉडल हो, चेक करने का तरीका सब में सेम नियम रहेगा, वही प्रोसेस लागू करेगा। तो आप इसका प्लग देख सकते हैं, एवरेज इसका ये पॉइंट अगर काला रहता, जो यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है और यहाँ पे साइड में पूरा काला है और यहाँ पे पूरा ब्लैक होता, तो यानी कि बाइक एवरेज नहीं दे रही है। लेकिन इसमें क्या है, पॉइंट जो इसका है, हम दिखाने की कोशिश करें, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया है, वाइट है, यानी कि बाइक एवरेज दे रही है। और ऐसे में भी पॉइंट वाइट होने के बावजूद भी बहुत से बाइक जो है एवरेज नहीं देती, और जो कि यहाँ पे पॉइंट सही बताती है कि बताता है कि बाइक एवरेज दे रही है। तो चलिए इसको हम वापस बांध देते हैं चेक करने का। तो ये पहला तरीका था कि यहाँ से हम चेक कर सकते हैं अपने बाइक का एवरेज देती है या नहीं, यानी बाइक एवरेज यहाँ पर बता रही है, दे रही है पलक खोलने के बाद। अगर आपको लगता हमारी बाइक एवरेज कम दे रही है फिर भी, तो चलिए हम दूसरा स्टेप दिखाते हैं कहाँ से चेक होगा। तो इसको वापस हम यहाँ पे प्लग को सेट कर देते हैं। तो प्लग हमने चेक कर लिया, यहाँ से एवरेज दे रही है। अगर किसी भी बाइक में अगर यहाँ से बताती है एवरेज दे रही है प्लग, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि बाइक हमारा एवरेज नहीं दे रही है, तो गाइस दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप सबसे उसके बाद चेक करें आपका जो ये चक्का है पीछे का व्हील, नचाओ इसको एक बार, एकदम हल्का हाथ है तो आप देख सकते हैं एकदम ऐसे प्रॉपर फ्री चलना चाहिए पीछे का भी, और सेम ऐसे जो आगे का व्हील है आपको हम दिखा दें, आगे का भी एकदम ऐसे फ्री चलना चाहिए। अगर आगे का व्हील या पीछे का व्हील अगर जाम चल रहा है ऐसे, मतलब देखो इतना हल्का सा टच करने के बाद देखो व्हील कैसे घूम रहा है, आगे का भी और पीछे का भी, अगर ये आपका आगे का व्हील या पीछे का व्हील जाम चलेगा, तो इससे भी आप अपने गाड़ी का माइलेज अच्छा नहीं ले पाएंगे और माइलेज में कमी हो जाएगी। अगर ये भी आपका प्रोसीजर ठीक है, बिल भी बढ़िया चल रहा है, प्लग भी ठीक है, तो आपका तीसरा जो है, अगर आपके बाइक का, आपको हम दिखा दें चैन, ये चैन है बाइक को,
बहुत से बाइक को आप देखते होंगे चेन ये जो है एकदम पूरा चेन कवर के यहाँ पे नीचे जो है रख जाता है। यहाँ पे जो ये आपको देख दिख रहा है ये चेन अभी तो एकदम इसमें बढ़िया सेट है, एकदम नीचे सड़ जाता है और बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। तो इससे भी क्या है गाड़ी में माइलेज की कमी हो जाएगी और बाइक अच्छे से माइलेज नहीं दे पाएगी। आप कभी भी बाइक को ऐसे चेन लूज हो आप देखना, बाइक कभी भी दो नंबर तीन नंबर में बाइक आप राइड करते समय उठाओगे तो बाइक मतलब पिकअप नहीं लेगी और बाइक दो नंबर तीन नंबर में मतलब गाड़ी उठेगी नहीं, चलेगी नहीं, आपको गियर डाउन करना पड़ेगा। अगर यही आपका चेन एकदम बराबर सेट है एकदम बढ़िया से तो आपको आपका बाइक दो नंबर भी में उठ जाएगा और तीन नंबर में भी उठ जाएगा। तो अगर ज़्यादा चेन लूज है तो इससे आपकी बाइक का माइलेज कम हो जाएगी। अगर आपका चेन भी सही है, व्हील भी बढ़िया घूम रहा है, प्लग भी सही है, तो जो चौथा प्रोसीजर है आपको एयर फिल्टर चेक करना होता है। तो लगभग हीरो होंडा बाइक में यानी हीरो में जो है एयर फिल्टर आपका यहाँ पे लगा होता है बाइक के लेफ्ट साइड में, चाहे वो BS6 हो या BS4 हो। पैशन प्रो BS6 में सीट के नीचे एयर फिल्टर लगा होता है या होंडा साइन में सीट के नीचे लगा होता है, लेकिन TVS स्टार प्लाटीना राइट साइड में इसका एयर फिल्टर लगा होता है। तो आपको इसके बाद एयर फिल्टर चेक कर लेना है। तो चलिए हम एयर फिल्टर चेक करवा देते हैं, लगता कहाँ पे है कौन सी गाड़ी का, ऐसे हम बता देंगे और इसका आपको दिखा देंगे। तो इसका हम एयर फिल्टर जो है ओपन करते हैं। आप सबको एक बार हम फिर से बता दें, चाहे BS4 गाड़ी हो चाहे BS6, स्प्लेंडर प्लस, HF डीलक्स या पैशन प्रो बाइक, इस सब में गाड़ी में लेफ्ट साइड के पैनल में एयर फिल्टर लगा रहता है। और जो हीरो की बाइक है BS6 वाली, जैसे स्प्लेंडर प्रो या पैशन प्रो वो सब, या होंडा साइन की बाइक हो गई BS6, वो सब सीट के नीचे यहाँ पे इसके नीचे एयर फिल्टर लगा रहता है। और जो बाइक TVS स्पोर्ट हो गया या TVS स्टार सिटी प्लस हो गया या प्लाटीना हो गया या अपाची RTR हो गया या पल्सर हो गया, वो सब एयर फिल्टर राइट साइड के पैनल पे यहाँ पे एयर फिल्टर लगता है। जैसे ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो ये सब गाड़ी में लेफ्ट में लगेगा एयर फिल्टर। तो इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि फिल्टर कौन सी गाड़ी का कहाँ है, कि आप आसानी से चेक करें। तो चलिए हम फटाफट इसके एयर फिल्टर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके एयर फिल्टर में कितना सारा गंदगी है। ये स्पंज का एयर फिल्टर है, एकदम क्लीन होना चाहिए बॉक्स, और ये सब जो इतना धूल मिट्टी यहाँ पे लगा हुआ है एकदम क्लीन होना चाहिए। चाहे ये स्पंज वाली एयर फिल्टर हो या फिर कागज़ वाली एयर फिल्टर हो, कोई सी भी गाड़ी का एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर ये फटा रहेगा पूरा, डस्ट वगैरह जमा रहेगा, तो इससे क्या है आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा कनेक्शन है। हम एक बार एयर फिल्टर निकाल कर आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं यहाँ पे होल है और ये सीधा यहाँ से होते हुए इसका ऑक्सीजन कार्बेटर में जाता है। तो ये भट्ठा जमा होने से डस्ट अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा एयर फिल्टर से, तो इससे भी आपकी बाइक एवरेज नहीं देगी। तो इसलिए एयर फिल्टर हमेशा साफ होना चाहिए, और अगर पुराना ज़्यादा लगे तो नया होना चाहिए, नया लगा दें। अगर ये भी प्रोसेस आपका एकदम सही है, तो जैसे एयर फिल्टर नया है, साफ है, एकदम बढ़िया है, फिर भी एवरेज नहीं दे रही है, और प्लग भी सही है, चेन भी सही है, बिल भी सही है, ये भी प्रोसेस होने के बाद भी अगर एवरेज आपकी बाइक नहीं दे रही है, अगर एयर फिल्टर भी सही है, तो लास्ट बता रहे हैं कि किससे आपकी गाड़ी चेक करें तो उसका एवरेज ठीक हो जाएगा। इतने सारे प्रोसेस के बाद कहीं ना कहीं आपके बाइक एवरेज का जो समस्या है एवरेज नहीं देती,
वो कहीं ना कहीं पे दिख जाएगी, मिल जाएगी, और इससे आपका जो एवरेज नहीं देती बाइक, जो चाहे BS6 हो चाहे BS4 हो, एवरेज वाली समस्या है, बार बार आपको प्रॉब्लम आ रहा है, या किसी भी टंकी पे तेल डला ले रहे हैं कोई सा भी पेट्रोल, और कई भी मैकेनिक को दिखा ले रहे हैं फिर भी एवरेज नहीं दे रही है। तो इतने सारे प्रोसेस के बाद एक लास्ट प्रोसेस बताऊंगा जो इससे, इतने में आपका जो है एवरेज की माइलेज की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए हम लास्ट वाला बताते हैं। इसका लास्ट प्रोसेस है, इसके हम टैपी ढक्कन को ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। एक टैपी ढक्कन ये हो गया और दूसरा टैपी ढक्कन यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, तो ओपन करके हम आपको दिखाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं टैपी ढक्कन हमने ओपन कर दिया है। अगर इतने सारे प्रोसेस चेक करने के बाद भी गाने सब कुछ सही है, वहाँ से फॉल्ट नहीं मिलता है, तो आप देख सकते हैं ये है टैपिट बोल्ट जो वाल को सेट करके रखता है, यानी यहाँ से अगर ये ढीला है समझ लो सही है, इसमें प्ले है। अगर जो ये टाइमिंग चेन टॉप होने के बाद टैपिट जो है नीचे का और ये ऊपर का टैपिट दोनों अगर टाइट है, तो इससे भी बाइक का माइलेज अच्छा नहीं दे पाएगा और माइलेज जो है आपको नहीं मिल पाएगा। तो इतने सारे प्रोसेस चेक करने के बाद जो आपके माइलेज की समस्या है कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, और इससे जो आपका माइलेज की प्रॉब्लम है, बार बार माइलेज नहीं दे रही है, तो ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। अगर आपका शुरू में मैंने पलक खोल के दिखाया था, वहाँ पे अगर पलक डस्ट काला दिख रहा है आपको, तो एक बार हम आपको फिर से दिखा दें पलक वाला सिस्टम शुरू का स्टेप, अगर आपको यहीं पे मिल जाता है तो आप कैसे सही करेंगे। अगर जो पलक वाला जो प्रोसेस हमें एक बार फिर से उसको बता दें सेट कैसे करना है, अगर आपका प्रॉब्लम शुरू में ही मिल जाता है तो। मैंने पलक स्टार्टिंग में ही दिखाया था, अगर ये वाइट है तो समझ लो एवरेज दे रहा है, और ब्लैक है तो एवरेज नहीं दे रहा। अगर स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको दिख जाता है, मिल जाता है कि यहीं से बाइक एवरेज का प्रॉब्लम है, तो कैसे सेट करना है, सिर्फ ये BS4 गाड़ी में हो सकता है, BS6 में नहीं होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं BS6 में। सबसे पहले यहाँ पे एक रेस वाला स्क्रू है, ये ओल्ड मॉडल बाइक है तो यहाँ पे स्क्रू इसका अलग अलग है, और BS4 वाले बाइक में यहीं पे दोनों दिया होता है, एयर मिक्सचर का और ये रेस वाले स्क्रू का। तो ये रेस स्क्रू है इसको का यहाँ से, और ये है एयर मिक्सचर का स्क्रू, ये आप यहाँ पे एक स्क्रू देख सकते हैं, ये एयर मिक्सचर का स्क्रू है। तो इन दोनों प्रोसेस को सेट कर सकते हैं, या किसी मैकेनिक के पास जाके सेट करवा सकते हैं, तो आपका एवरेज यहीं से सही हो जाएगा। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।